नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एलओसी पर रात भर होती रही पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। फायरिंग में दो पाक रेंजर्स ढेर, कई जख्मी। जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी, गांव छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। सीमा से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी। कल तंगधार आतंकी हमले में बीएसएफ के एक जवान हुए थे शहीद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बड़ा कबूलनामा। जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर को बताया आतंकी, कहा हमारे यहाँ भी कर चुका है बम धमाके। रजत जयंती का निमंत्रण देने के लिए चौधरी अजीत सिंह के घर जाएंगे शिवपाल सिंह यादव। महागठबंधन पर हो सकती है बात, उत्तर प्रदेश में साथ आ सकता है जनता परिवार। बैंक का 85,000 करोड़ कर्ज नहीं लौटाने वाले 57 व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक करने पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। डोप टेस्ट में फेल होने पर बीजिंग ओलंपिक में पदक जीतने वाले 9 एथलीट अयोग्य करार, इन एथलीटों से वापस लिए गए पदक। और धनतेरस के मौके पर आज देखने लायक होगी बाजारों में रौनक, बर्तन और गहने की दुकानों में होगी खरीदारों की भीड़। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।